नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अरेंज करने के लिए आते हैं, जैसे कि क्रम में लगाना है, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, उस टाइप के क्वेश्चन। अगर सीबीएसई नेट या फिर एनटीए नेट की मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर अलाइड या फिर आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ भी क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और सबसे पहली ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत के उपराष्ट्रपतियों को याद रखने की ट्रिक्स, कि आखिर उन्हें क्रम में कैसे याद रखें, क्योंकि एक रट्टा मारने से जो आप याद रखते हो शॉर्ट ट्रिक से, वो ज़्यादा आपको याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक आप उसको याद रख पाओगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सीनियर सेकेंडरी जूनियर विद्यालय। देखो कितनी फनी सी है, सीनियर सेकेंडरी जूनियर विद्यालय गंज बाजार में मिस्टर सकरू की बेटी मल्लिका पढ़ती है। ये सिर्फ 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों के अंदर सारे के सारे उपराष्ट्रपति मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो मैंने गाढ़े किए हैं, जो रेड में मैंने लिखे हैं, ये जो वर्ड मैंने रेड में लिखे हैं, इससे किसी राष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है इन वर्ड से। जैसे एस फॉर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद फिर एस है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके टाइम पीरियड भी दिए हैं, 1952 से 1957 रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी बार चुने गए 1957 से 1962 तक। उसके बाद जूनियर, जूनियर का हमारे पास जे इम्पोर्टेंट है, और जाकिर हुसैन रहे हैं 1962 से 1967 तक। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय से वी वी गिरी रहे हैं 1967 से लेके 1969। 1969 में इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये राष्ट्रपति की दौड़ में, या उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे फॉर जाकिर हुसैन, विद्यालय में सिर्फ हमारे लिए वी इम्पोर्टेंट है, वी वी गिरी। उसके बाद गंज बाजार, गंज का हमारे पास जी इम्पोर्टेंट है, जी फॉर गोपाल स्वरूप पाठक, और गोपाल स्वरूप पाठक रहे हैं 1969 से लेके 1974 तक। उसके बाद बाजार, बाजार का बी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये थे बी डी जती रहे 1974 से लेके 1979 तक, 79 तक रहे थे, तो बाजार का सिर्फ बी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी जूनियर विद्यालय गंज बाजार में मिस्टर का एम और आर दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एम फॉर मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि बाद में जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं इंडिया के, मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं 1979 से 1984 तक, और उनके बाद बनते हैं आर वेंकटरमन 1984 से 1987। तो मिस्टर का एम और आर दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सक्रू के यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट है, एस एंड के। सबसे पहले शंकर दयाल 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे थे, आपको पता होगा 92 के बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे और 1997 तक रहे थे। तो शंकर दयाल 1987 से 1992। उसके बाद के इम्पोर्टेंट है सकरू का, तो ये है के आर नारायण 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। और उसके बाद की सकरू का के हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये है कृष्णकांत 1997 से 2002 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद बी सकरू की बेटी का बी इम्पोर्टेंट है, बी फॉर भैरव सिंह 2002 से 2007 तक रहे थे उपराष्ट्रपति। उसके बाद के तो आपको याद ही होगा, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 टर्म्स के लिए ये चुने गए थे 2007 से 2017। तो ये है शॉर्ट ट्रिक्स सीनियर सेकेंडरी जूनियर विद्यालय गंज बाजार में मिस्टर सकरू की बेटी मल्लिका पढ़ती है, और प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, वो तो आपको डेफिनेटली आपको याद होगा। तो आपको इसको रटना नहीं है, बस बार बार देखना है, एक फनी सा ये
स्टेंजा है, तो आपको ये इजी भी या इजीली याद भी हो जाएगा और ये लाइफ टाइम तक आपकी एक ट्रिक बन सकती है उपराष्ट्रपतियों को याद करने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके की ट्रिक्स डालने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।